था, एक कंबल दो, दो कंबल दो, तीन तीन कंबल ओढ़ता था और तब भी कांपता था। और जैसे ही बुखार खत्म होता था उसके बाद पसीने से तर बतर हो जाता था। बता दूं झारखंड के जगुआर यहाँ में 13 साल में 73-83 जवानों ने अपनी जान खो दी। आपको पता है हर साल पूरी दुनिया में 10 लाख लोगों की मलेरिया से मौत हो जाती है। एवरी फीवर इज मलेरिया until unless proved otherwise। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे मलेरिया कैन कॉज एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। तब भी आप सोचिए इतनी पुरानी बीमारी, हजारों साल पुरानी बीमारी है और फिर भी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के नाम पे एक RTS वैक्सीन आती है। हाँ आई, हम लोगों ने डेंगू पढ़ा, लेप्टोस्पायरोसिस पढ़ा, स्क्रब टाइफस पढ़ा और आज हम बात करेंगे मलेरिया डिजीज की। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कोई मिस्ट्री फीवर नहीं होता है, कोई मिस्टीरियस डिजीज नहीं होती है। हर चीज़ की डायग्नोसिस होती है, सही से उसकी माँ बाप से आप हिस्ट्री सुननी चाहिए पेरेंट्स से और सही से उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। यानी कि बच्चे का लीवर बढ़ा हुआ है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, एनीमिया है, जॉन्डिस है, ये सब देखना है और फिर सही डायग्नोसिस क्या होनी है। आज हम बात करेंगे मलेरिया से, जो एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यानी मच्छर से फैलता है, लेकिन होता किस वजह से है, वो प्रोटोजोअल डिजीज है यानी प्लाज्मोडियम जो होता है, प्रोटोजोआ होता है, उसके वजह से मलेरिया फैलता है। हमने पढ़ा कि जैसे डेंगू जो है, डेंगू वायरल डिजीज है, वो किससे फैलता है, एडीज एजिप्टाई से। हमने पढ़ा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस किससे फैलता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से। ये तीनों जो मैंने बताया ये तीनों मच्छर से काटने से फैलने वाली डिजीज है, लेकिन तीनों अलग अलग मच्छर है। बहरहाल मैं प्लाज्मोडियम के बारे में बताऊं, प्लाज्मोडियम में 4 तरह की मेनली स्पीसीज है जो कि कहते हैं कि मलेरिया इजीली फैलाती है, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओविल। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम है जो कि ब्रेन यानी सेरेब्रल मलेरिया करता है और जो कि सबसे खतरनाक है आपको, जो कि मतलब वैक्सीन तो कहीं है लेकिन RTS को कहते हैं, WHO सब सही पाता है और 2-3 देशों में 2016 से ही ट्रायल है, पर ऐसा अभी हम लोगों के इंडिया में कोई मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल नहीं। बहरहाल मैं कह रहा था कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसका जीवन जो है दो जगह पे व्यतीत होता है, एक मच्छर के शरीर में, एक ह्यूमन बींग के शरीर में। तो मच्छर के जो शरीर में होता है वहां से जब मच्छर काटता है हमें तो स्पोरोजॉइट कहते हैं, वो स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड में आ जाता है। जब मच्छर जो है हमारा ब्लड सक करता है उसी टाइम वो स्पोरोजॉइट को हमारे ब्लड में डालता है। जब ये ब्लड से हमारे लीवर में आता है तो इसको कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि RBC के बाहर की साइकिल, यानी कि लीवर के अंदर की साइकिल। इसको लीवर हिपैटिक साइकिल नहीं कहते हैं, ये टर्म मेडिकल और मेडिकल प्रोफेशनल को पता होगा, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। और एक होती है इसके बाद सेकेंड स्टेज की एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि RBC यानी जो हमारी रेड ब्लड सेल है उसके अंदर जो है वो ट्रोफोजाइट जो है जो रिंग फॉर्म बनाते हैं वो घुस के आपको जब रप्चर हो जाती है RBC तो मीरोजॉइट्स निकलते हैं। फीवर विद चिल्स एंड राइगर, तो स्पोरोजॉइट जो है वो मच्छर के द्वारा हमारे ब्लड में आया, हमारे ब्लड में से ब्लड से होता हुआ वो लीवर में गया, लीवर में कुछ दिन उसने अपना अपने आप को मल्टीप्लाई किया। कहते हैं कि 100 स्पोरोजॉइट और 100 ट्रिलियन में यानी 10^2 से 10^14 इतने संख्या में बन सकते हैं और फिर हिपैटोसाइट साइकिल को पूरा करते हुए जिसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं वो बाहर आते हैं और फिर से ब्लड में घूमने लगते हैं, हर RBC के अंदर छेद करके RBC में अपना घर बनाते हैं और अपने आप को पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। उसी में से फिर गेमेटोसाइट बनता है, गेमेटोसाइट जब फिर मच्छर आया और मच्छर ने काटा तो अगर गेमेटोसाइट उसके अंदर चला गया तो अब वहाँ पे एक नई साइकिल स्टार्ट होती है जहाँ पे नए बच्चों का जन्म होता है, जब बच्चे होते हैं तो फिर वापस हमारे यहाँ आते हैं। इस तरह समझिए दो तरह से प्रोटोजोआ का
जिंदगी चल रही है दो अलग अलग एक आर्थ्रोपोड्स में एक ह्यूमन बींग में। इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 14 दिन का होता है, मतलब आपको मच्छर ने मलेरिया मच्छर ने काटा और 9वें दिन भी बुखार आ सकता है 14। कुछ स्पीसीज में कई बार होता है कि 6-6 महीना और 12-12 महीना तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और दूसरे बता दूंगा आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेट के साथ क्या है कि हिप्नोजॉइड स्टेज पाई जाती है, हिप्नोजॉइड स्टेज पाई जाती है, यानी कि लीवर के सेल में ये कई सालों तक 5-5 साल तक सोए रहते हैं। आपने मलेरिया की दवा खाई, आप ठीक हो गए, आपको बुखार हुआ, 5 साल बाद फिर मलेरिया हो गया, हम तो कहीं गए नहीं, मच्छर का नहीं काटा नहीं, कैसे हो गया? तो ये हिप्नोजॉइड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम लोग एक प्रिमाक्विन दवा होती है वो देते हैं 15 दिनों के लिए, अगर अगर डायग्नोज किया है कि वाइवैक्स और ओवेल अगर प्रोटोजोआ है। एनीवे उस पर हम दोबारा वापस आएंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको इटियालजी क्या है, यानी फीमेल मॉस्किटो के काटने से फैलता है, कारक क्या है, एजेंट क्या है, इस प्रोटोजोआ है जो 4 तरह का होता है, और अब करता क्या है, ये करता है बुखार आपको आएगा बहुत तेज 103-104 बुखार आता है और जाड़े के साथ चिल सनराइजर। हाँ डेंगू में भी आप मैंने बताया स्क्रब टाइफस में ही बताया था कि इस चिल सनराइजर के साथ बुखार आता है, लेकिन जैसे ही बुखार खत्म होता है तो आदमी को ढल हो जाता है। और जब बुखार आता है मुझे याद है जब बस लखनऊ एंट्रेंस की तैयारी करते वक्त और वहाँ एक नरही जना है वहाँ पे तैयारी करते वक्त आए थे और मच्छर ने काट दिया, मुझे जो है हेपेटाइटिस हो गया और भाई को जो है मलेरिया हो गया। तो भाई मुझे याद है कंबल मांगता था, एक कंबल दो, दो कंबल दो, तीन तीन कंबल ओढ़ता था और तब भी कांपता था। और जैसे ही बुखार खत्म होता था उसके बाद पसीने से तर बतर हो जाता था, इसको कहते हैं स्वेटिंग आती है, बहुत सीवियर स्वेटिंग होती है। इसके अलावा मसल सेक होते हैं, नौजिया होता है, वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है, बैक एक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेल हो रहा है, एनीमिया, चूँकि जो है वो मैंने बताया ना कि ये ट्रोफोजॉइड्स जो होते हैं ये आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं और ये तोड़ते हैं आरबीसी को, तो आपको हीमोलाइसिस होती है, यानी कि आपके शरीर में ब्लड की कमी आती है, आपको एनीमिया होता है, इसीलिए पेल हो जाते हैं और हीमोलाइसिस से जॉन्डिस भी हो जाता है, यानी पीलिया भी हो जाता है। तो ये सारे चीज़ हो सकती है। प्लाज्मोडियम जो फैसिफेरम है और या फिर मिक्स इन्फेक्शन होगा उसमें हो सकता हो कि आपको रोज बुखार हो, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे 4 बजे सुबह हो रहा है, 4 बजे शाम हो रहा है, यानी 24 घंटे में एक बार आपको फीवर आ रहा है। लेकिन अगर वाइवैक्स है और ओवेल है तो वो 48-48 घंटे में, यानी आज बुखार आया है तो कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा, यानी कि इसको अल्टरनेट डे फीवर कहते हैं। और प्लाज्मोडियम मलेरिया में 72 आवर के बाद फीवर आता है, यानी तीसरे चौथे दिन, यानी आज सोमवार को बुखार आया है तो उसके बाद बृहस्पतिवार को आएगा, फिर सोमवार को आएगा, ऐसे करते हैं। तो इसको जो कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूस फीवर नहीं होता है, जैसे मैंने आपको जो है स्क्रब टाइफस वगैरह बताया था। कैसे जो कोरोना से और आज आपने जो चारों बताया कि स्क्रब टाइफस में भी डेंगू में भी फीवर होगा, हेडेक होगा, चिल्स के साथ आएगा, कैसे हम कोरोना से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हमको कोरोना नहीं हुआ है और यह मलेरिया हुआ है? तो मैं बता दूं कोरोना में जो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो सूंघने की क्षमता जो है वो कोरोना में खत्म हो जाती है, टेस्ट करने की क्षमता कोरोना में खत्म हो जाती है। दूसरे कोरोना जो है सांस की ज़्यादा बीमारी खांसी आएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सेचुरेशन जो कहते हैं कम होगा, जकड़न होगी, समझ रहे, ये सब कोरोना में होता है, ठीक है। पर जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन आपको मैंने बताया, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे मलेरिया कैन कॉज एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, हर कुछ कर सकता है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, हार्ट को फेल कर सकता है, लीवर को फेल कर सकता है, किडनी को फेल कर सकता है, स्प्लीनोमेगली होती है, स्प्लीन रप्चर तक हो जाती है, इनकेफलाइटिस,
मलेरिया इंकेफलाइटिस हो गया, मतलब सेरिब्रल मलेरिया हो गया, ना सिर्फ ब्रेन पर काइमा और सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। तो मैं एक बार कहते हैं कि मैंने जो है सारी इंकेफलाइटिस खत्म कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी उद्घोषणा करते हैं। तो मैं बता दूं, नाम बदलने से बीमारी खत्म नहीं हो जाती, अभी बहुत से बच्चे उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं। एनीवे हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हाइपोटेंशन होता है, टैकिकार्डिया आपकी जो है हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगा, बीपी कम होने लगेगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, पोटेशियम शरीर में कम हो जाता है। तो आपको बता दूं, एक फिल्म बनाई जाती है, आपके ड्रॉप ऑफ ब्लड भी ले सकते हो और इससे जो है यहाँ से ब्लड निकाल के एक फिल्म बनाते हैं और इस तरह से हम जो है स्लाइड में देख सकते हैं। ये सब जैसे मान लो बनाना शेप जो है गेमेटोसाइट है, ये सिग्नेट्रिन है, ये समझ लो आरबीसी के अंदर ये सब है। देखो जहाँ पे ये पेल कलर बना रहे हैं, ये देखिए। तो ये थिक स्मियर बनाते हैं, थिन स्मियर बनाते हैं। यूजुअली आजकल क्या होने लगा है कि सीधे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करा देते हैं, पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। नहीं, पुराना वाला ही सबसे अच्छा तरीका है डायग्नोस करने का, यानी कि थिक स्मियर बनाइए, थिन स्मियर बनाइए। पहली कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि जैसे बुखार हो आए उसके थोड़ी देर बाद, यानी आपको बताया ना जब बुखार आता है तब वो आपके ब्लड में आते हैं, समझ रहे, म्यूरोसाइट्स वगैरह, तो आप सही से डायग्नोस कर सकते हो। तो जब बुखार फौरन आए उतर जाए उस वक्त आप टेस्ट करो, 3 दिन लगातार टेस्ट करना है। एक निगेटिव रिपोर्ट से आप ये नहीं कहते कि मलेरिया नहीं है, समझ गए। तो रैपिड डायग्नोसिस तक यस गुड, ठीक है आप कर ले, लेकिन भूलो मत थिक स्मियर और थिन स्मियर बनाना, ताकि बर्डन कितने एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी को अफेक्ट किया है, कौन सी स्पीसीज है, फैल्सिफेरम है कि मलेरिया है कि ओवेल है कि वाइवेक्स है, वो सही से देखो। अब आइए ट्रीटमेंट पार्ट में। ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो पुराने जमाने से हम लोग सुने आ रहे हैं, क्यूनिन और क्लोरोक्विन जो है वो चलता आ रहा है। बताऊं तो क्लोरोक्विन के बारे में पीडियाट्रिशियन के लिए 25 मिलीग्राम पर केजी जो है टोटल डोज होनी चाहिए, 10 मिलीग्राम जो है बेस का, 10 मिलीग्राम पर केजी का मतलब आप अभी आपने खिलाया है तो 6 घंटे बाद जो है 5 मिलीग्राम का खिलाओ, फिर 24 घंटे के बाद 5 मिलीग्राम, फिर 48 घंटे 5, तो 5 5 5 15 + 10 25। अकेले क्यूनिन कहीं नहीं देना, पहले क्यूनिन को अकेले देते थे, अब कोई डॉक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन वगैरह को यूज किया जाता है। मैं तो डॉक्सीसाइक्लिन यूज करता हूँ, 100 मिलीग्राम जो है बीडी करके 7 डेज देता है। अब नया क्या चीज आ गई, नया जमाना आ गया है, अब पूरी पूरी किट आती है, समझ गए, जैसे ओसीपी किट है, मतलब जो है ऐसे ही समझ लो, या टीवी की जो है पूरी किट आती है, ऐसे ही जो है मलेरिया की किट आती है, जिसमें जिसको ACT कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल टी ACT जो है वो आर्टिसुनेट बेस मेडिसिन है, आर्टिसुनेट न्यू ड्रग्स हैं जो कि किट के फॉर्म में आती है, जिसमें आर्टिसुनेट और सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरामिथामिन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आर्टिसुनेट जो है 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 3 डेज खानी होती है और सल्फाडॉक्सिन और पायरामिथामिन की सिंगल डोज लेनी पड़ती है। एक होता है आर्टिसुनेट प्लस ल्यूमिफ्रेंटिन का कॉम्बिनेशन, वो सबसे अच्छा ल्यूमिरेक्स करके आता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कैसे होगा, आपका अपने लेवल पे प्रिवेंशन मैंने बताया है कि आप जो है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड जो है मच्छरदानी सबसे सही, बाकी कछुआ छाप दिलाना है, गुड नाइट आयल या जो भी लिक्विड यूज करना है, ओडोमास यूज करना है, डॉट्स आती हैं वो यूज करना है, वो आप कर सकते हो। जेल में थे तो हम लोग जो है ओडोमास लगाते थे, बहुत वहां तो बहुत मच्छर रहते थे, ये कर सकते हैं बस बेसिकली। लेकिन मेन आपके घर की साफ सफाई, आसपास की घर के आसपास की भी साफ सफाई होगी, पानी कहीं भी ठहर के नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वही अंडे देगा वही मिलेगा। बाकी सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार को जो है वो साफ सफाई पे ध्यान रखना है,
कीमोप्रोफ्लेक्सिस पे अगर मान लीजिए वहां पे मलेरिया बहुत फैला है, तो कीमोप्रोफ्लेक्सिस यानी कि पहले ही से आपको दवा दे दी जाएगी ताकि जो है आपको हो ही ना मलेरिया। जब हम लोग पढ़ते थे और कम्युनिटी मेडिसिन का में कहा जाता था कि एवरी फीवर इज मलेरिया अंटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज,